हमने बहुत ही झटपट किस्म के आलू के कटलेट्स बनाए हैं बेसन की लेयर के साथ, जो कि फटाफट बन जाएंगे। अगर आलू उबले हुए हों तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे आपको ये कटलेट्स बनाने में। तो हमने इसको किस तरह बनाया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश और खुर्रम होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही झटपट किस्म के जल्दी जल्दी से तैयार होने वाले आलू के कटलेट्स। ये उस तरीके से नहीं होंगे जैसे हमारे रवायती कटलेट्स होते हैं, ये हम बहुत ही झटपट सा बनाएंगे। इसमें हम पिसे हुए मसाले इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लेकर बॉयल कर लिया है, उसको छील लिया है। एक प्याज ली है, उसको चॉप कर लिया है। एक चाय की चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चाय की चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। बस यूँ झटपट से बन जाएंगे। और ये आपको मैं डीप फ्राई वाले कटलेट्स बता रही हूँ, बेसन की लेयर वाले। तो चलिए अब हम इसको जो है आलू को मैश कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं, अब तमाम मसाला जार जो हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपको बताया ये बहुत ही झटपट से है, एकदम से आप इसको बना के और फटाफट आप इसको खा सकते हैं। मेहमान आ जाएँ तो फटाफट इसी तरीके से बनाएँ। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। पेस्ट जो है वो बन के तैयार हो गया है, बहुत पतला सा हमने बनाया है। और अब यहाँ पर पानी लगाकर हाथ पे आलू की टिक्कियाँ अपने मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ में तैयार करते हैं। वो देखिए जी, हमने इस साइज़ में जो है टिक्कियाँ बना ली हैं। और यहाँ हमने घी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये हो चुका है तकरीबन गर्म। हम इसको चेक कर लेते हैं। गर्म हो गया है और अब हम इसमें आलू के कटलेट्स जो है वो इस तरह डालते हैं। ये देखें, हम इसमें इस तरह अच्छे तरीके से डिप करेंगे और इसको इसमें डीप फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, इसको होने देना है। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है। थोड़ा सा लाल होगा ये और आप निकाल लीजिएगा इसको। जी बहुत ही प्यारे हमारे बहुत मज़ेदार झटपट किस्म के आलू के कटलेट्स बेसन की लेयर वाले जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इसी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे। दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा देना पड़ेगा, ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी ओरिजिनल खास और आसान वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।